कि मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं। तो नए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब बिला मुकाबला तौर पर हो गया है। मोहसिन नकवी के बारे में बताया गया है कि वो चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे खुर्रम मलिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब का ये मामला था और मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया गया है। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाबात जो है वो अब से कुछ देर कबल तमाम जो अरकान थे उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद जैसे ही ये मुकाबला शुरू हुआ तो चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो है वो मुनक्किद किया गया था। तो अब मोहसिन नकवी जो है बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं और 3 साल ये चेयरमैन जो है वो रहेंगे। जी अच्छा खुर्रम, थोड़ा सा बताएगा ये इजलास जो हुआ इसमें किस किस ने क्या होता है शिरकत की है, कौन कौन मौजूद होता है और उसके बाद जब ये वोटिंग हुई किस तरह हुई, तरीकाकार क्या था? अच्छा बिल्कुल, कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर समेत अरकान जो है वहाँ पर मौजूद थे और गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो है वो भी मौजूद थे। तमाम जो मेम्बरान थे उन्होंने इत्तेफाक किया कि मोहसिन नकवी जो है वो बेहतरीन चेयरमैन जो है वो साबित हो सकते हैं और तमाम जो अरकान वहाँ पर आए थे जो मेंबर थे। चलें जी, बिला मुकाबला इन्हें मुंतखब किया गया है, बहुत शुक्रिया। मुकाबल जो ने भी वोट इन्हीं को दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब को। अभी